व्हाइट लाइट कौन मार रही है? नहीं वो नहीं करो फिर भी सर यहाँ देखिए सारे जहाँ सर अच्छा मैं निकल रहा हूँ क्या है सिद्धार्थ के स्टाइल में तो मैं यही कहूँगा कि गैंग ऑफ शेर अली जो फिल्म है वो अभी ऋषभ ने बहुत मेहनत की है उसके लिए. मैंने अभी पोस्टर देखा अंदर, पोस्टर शूट कैसे किया है, तो उसके लिए वो जितनी मेहनत करा 3 साल से उस लड़के ने रोटी नहीं खाई है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बॉडी जिस शेप में उसको चाहिए वो शेप के लिए ला रहा है. तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं गैंग ऑफ शेर अली के लिए और ये मूवी उसकी सुपर हिट हो और बहुत अच्छा काम करे, बस यही शुभकामनाएं मिलती हैं. सिद्धार्थ अगर इसमें काम करने का मौका मिले तो सिद्धार्थ का क्या रोल होगा? किस फिल्म में? शेर अली में. अगर आपको मौका मिलता है? मेरे को मौका मिलता है तो मैं तो तब देखूंगा जब मौका मिलेगा. अभी तो मुझे जहां मौका मिल रहा है वो थोड़ा जॉनर मेरा अलग है, कॉमेडी का जॉनर है, तो सीरियस फिल्म मैंने अभी तक कोई ऐसी कभी सोची भी नहीं, बट कॉमेडी जॉनर है मेरा तो कॉमेडी करता हूँ. रूपेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रूपेश जी बहुत सीनियर और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं. उनकी भी फिल्म आई थी कैनेडा द फ्लाइट, वो इतनी ज़बरदस्त हिट हुई है. और बस ये है कि मेरा बहुत अंदर से इच्छा है कि एक बारी रूपेश राय सेकंद जी के साथ काम करूं, क्योंकि मेरे सीनियर हैं और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा मुझे उनसे. सिद्धार्थ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें या कॉमेडी की बात करें तो क्या क्या? वो अभी थोड़ा ऐसी चीज़ है कि कॉमेडी में कदम तो रखा हुआ है पर कुछ नया प्लान कर रहा हूँ. कोई भी हो चाहे आपके शो हो तो वहाँ पे हो कैसे ही देखिए, कपिल का भी जितना कलर्स पे हिट था उतना शो भी हिट जाने रहा है, इस पर आप अपना विचार देना चाहेंगे? नहीं, कॉमेडी तो शुरू से चलती आई है और अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक कपिल भाई जैसे, कृष्णा सुदेश जैसे एक्टर्स यहाँ पे हैं, ऐसे कॉमेडियंस हैं, तो कॉमेडी चलती रहेगी. सिद्धार्थ के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि यूनिट ज़रा खामोश क्या हुआ, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिया, कहाँ गायब हो गया थे सिद्धार्थ? कहाँ पे? आजकल नज़र नहीं आ रहे पर्दे पे या टीवी टेलीविजन पे? नहीं, कॉमेडी नाइट्स लाइव मेरा शो चल रहा है, उसमें तो मैं करता हूँ, मंगला का किरदार करता हूँ, कभी नाना पाटेकर का किरदार करता हूँ, कभी कैलाश खेर का करता हूँ, कभी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं करता हूँ. और आने वाला प्रोजेक्ट अगर बात करें? आने वाला प्रोजेक्ट अभी तो मुझे भी नहीं पता क्या है, पर कुछ तैयारी चल रही है. सिद्धार्थ चलते चलते एक कोई सीन जो आपका फेवरेट सीन हो दर्शकों के लिए बोले? अच्छा क्या आप किसको सुनना पसंद करेंगे? आपको जो अच्छा लगे. अच्छा
एक नसीरुद्दीन शाह साहब का मैं डायलॉग सुना सकता हूँ, जब नसीर साहब आके बोलते हैं अवेडनेस डे फिल्म में, भाई राठौड़ साहब इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं मारना चाहता था, क्योंकि चार कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे और मेरा घर गंदा कर रहे थे, आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ बस। मजनू कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, क्या सोच कर आए थे, हाँ यही जबान बाहर आ जाएगी, आंखें लटक आएंगी, ऐसे ही फांसी पे चढ़ जाऊँगा, ये सब शोर मचेगा, ताली बजाओगे, घर चले जाओगे, बस इसके अलावा और क्या, और क्या बता बोल। इसके अलावा अभिषेक, अभिषेक के साथ कैसा केमिस्ट्री था? किसके साथ? कृष्णा, कृष्णा के साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, कृष्णा भाई ने के साथ मैंने कॉमेडी सर्कस के अजूबे किया था, वो कृष्णा भाई सुदेश जी और मैं, हम लोग जीत गए थे कॉमेडी सर्कस के अजूबे, तो वो हम लोग की केमिस्ट्री अच्छी थी तभी हम लोग इस लेवल तक पहुँच पाए थे। थैंक यू सर, थैंक यू। ऋषभ क्या कहना चाहेंगे, पोस्टर लॉन्च हुआ जी, टीजर लॉन्च हुआ जी, कितनी खुशी हो रही है अपने आप को पर्दे पे देख के? मैं सर खुश बहुत हूँ, मेरी डेब्यू फिल्म है, और किसी चीज़ को आप 6 साल से किसी चीज़ का सपना लेके चलते हैं तो वो जब सामने आती है तो खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है, सब साथ इमोशंस आपके सामने आते हैं। ऋषभ कहानी की बात करें तो किस प्रकार की कहानी है और इसमें आपका किरदार? जैसे अभी डायरेक्टर सर ने बताया था कि एक सिंपल लड़का होता है, कॉलेज गोइंग लड़का है, फैमिली है, मम्मी पापा हैं, सब कुछ है, लाइफ में कैसे सरकमस्टेंसेस आते हैं कि वो गलत स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाता है, फिर वो कुछ सही करने की कोशिश करता है लेकिन हमारा समाज उसको कैसे गलत कर देता है, बस इसी से रिलेटेड होगी कि यूथ को कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए और अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। ऋषभ उम्मीद की बात करें तो इस फिल्म से कितनी उम्मीद है? नहीं, उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी कहावत है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, तो हम लोग इसी पाथ पे चल रहे हैं कि हम लोग इतना वर्क हार्ड करेंगे, इतना वर्क हार्ड करेंगे कि हम लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और पब्लिक हमें बहुत प्यार देगी। उत्तराखंड से चल के बॉलीवुड तक पहुंचने में कितना समय लग गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ, रुड़की शहर से आता हूँ, जो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, रुड़की IIT और रुड़की कैंट सबसे ज़्यादा फेमस है, अभी तक कोई बॉलीवुड में लड़के वहाँ पे आए हैं, काफ़ी आए हैं, सीरियस में आए हैं, लेकिन मेन लीड में अभी तक कोई मेरे ख्याल से नहीं आया, तो रुड़की शहर को अगर मैं इतना नाम दे सकता हूँ कि मैं पहला लड़का रुड़की से और उत्तराखंड से जो बॉलीवुड में एज अ लीड रोल डेब्यू कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं अपने शहर का और अपने स्टेट का नाम ऊँचा करूँ। उत्तराखंड की बात करें तो कुछ दिनों पहले वहाँ बाढ़ भी आई थी, बहुत दूर उससे कुछ कहानी शेयर करना चाहिए? कहानी मैं बस ये शेयर करना चाहूँगा कि ये एक ईश्वर की क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा ना, जो होती है मतलब नेचुरल कैलमिटी हम उसको बोलते हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता, ये भगवान नाराज़ होते हैं तो मेरा मानना है कि भगवान नाराज़ होते हैं तो ऐसा करते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब आप देखते हैं कि इतने लोग मर गए, मेरे अपने लोग मर गए, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इमोशनली बहुत ज़्यादा दुख होता है कि काश ये चीज़ अगर टल सके, और हमेशा भगवान से यही प्रे करता हूँ कि जितना इन चीज़ों से हम लोगों को, हमारे देश को इन चीज़ों से दूर रखें तो उतना अच्छा। ऋषभ जी, जैसे कि इस फिल्म पे काफ़ी सारी कहानियाँ और भी आई हैं, उनमें से एक है अक्षय कुमार और मधु स्टारर इंसाफ, सो इसमें कितना कुछ क्या अलग है और आपको क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए ये मूवी एक यूथ से रिलेटेड मूवी रहेगी, जिसमें हम लोग एक मैसेज भी देने वाले हैं, एक्शन भी देने वाले हैं, इमोशंस भी देने वाले हैं, फैमिली भी देने वाले हैं, अच्छे सॉन्ग्स भी देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, हम लोग हर चीज़ देंगे इस मूवी के अंदर जो एक यूथ को पसंद आती है, एक फैमिली मूवी होने वाली है, कोई इसके अंदर गंदगी नहीं देने वाले, हम एक फैमिली मूवी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको दे सकें। थैंक यू।